दुमका स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज के सैकड़ों छात्र छात्रा आज समानालय परिसर पहुँचे। यह उन्होंने उपायुक्त से मुलाकात कर कहा कि हमारे कॉलेज में पानी की गंभीर समस्या है, हमें न पीने का पानी मिल रहा है न ही स्नान करने का। ऐसे में आप ही इस समस्या के समाधान का कोई रास्ता निकाले। उपायुक्त ने इस मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कॉलेज में 3-4 दिन से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, ना पीने का पानी है ना नहाने, कुछ भी बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ के लिए हम लोगों को पानी नहीं दे दिया जा रहा है। हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेंट किया है, बट कोई एज सच कोई भी ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। हम लोगों को कोई भी अल्टरनेटिव सोल्यूशन ऐसा प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है। मतलब हम लोगों को कल टैंकर प्रोवाइड कराया गया था और ये हमारे लिए कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हमारे कॉलेज में ऑलमोस्ट हर वीक होता है। और हम लोगों को कल टैंकर प्रोवाइड कराया गया था बट आज कोई टैंकर नहीं मिला है। हमारे पास पीने के लिए, नहाने के लिए, कोई भी बेसिक नीड के लिए कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन है ही नहीं। हमारे पीने का जो पानी जो आर ओ आता है वो भी वर्किंग नहीं है, हम लोगों को डायरेक्ट पानी पीना पड़ रहा है। अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्लासेस अटेंड करने में, कोई भी बेसिक नीड हमारा पूरा नहीं हो पा रहा है। कॉलेज प्रबंधन का क्या कहना है जब आप कंप्लेंट लेके जाते हैं? उनका कहना है कि वो अपने लेवल पर, अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। और उनके पास जब हम लोग कल गए तो कल उन्होंने हमें एक टैंकर प्रोवाइड कराया था, लेकिन पीने का पानी कल रात हमारे पास बिल्कुल भी नहीं था, आज भी नहीं था, और कल जो टैंकर आया था आज हमारे पास वो टैंकर भी नहीं। और 400 बच्चे एक कैंपस में रहे, एक टैंकर से कैसे हुआ एक दिन में, और 3-4 दिन से पानी नहीं आ रहा है।